कृषि के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गुजरात दौरा, 11:05 पर सोमनाथ गिरी, सोमनाथ पहुंचेंगे सीएम योगी, 11:10 पर सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे, 11:35 पर जनसभा को संबोधित करेंगे, वही 1:15 पर भावनगर में जनसभा करेंगे, 2:30 पर अमरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही 4:30 विरामगम विधानसभा में करेंगे रोड शो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा जारी है, गुजरात चुनाव आने वाले हैं, उसे लेकर खुद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है एक्टिव मोड पर आकर गुजरात का दौरा करेंगे और हम उनके शेड्यूल्स देख सकते हैं, 11 बजे से 4 बजे तक लगातार मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली में शामिल होंगे और लगातार उनका ये शेड्यूल हमें देखने को मिल रहा है। जैसे 11:05 पर सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे, 11:35 पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे, 1:15 पर भावनगर जनसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री, साथ ही 2:30 अमरेली में जनसभा करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का गुजरात दौरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 11:05 पर सोमनाथ गिरी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर करेस्पॉन्डेंट लखनऊ से शशांक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शशांक, लगातार मुख्यमंत्री का दौरा जारी है, गुजरात में चुनाव आने वाले हैं और अब देखा जा रहा है कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलर्ट मोड पर, एक्टिव मोड पर, बड़े ही एक्टिवली उनके दौरे हैं, जैसा कि हम उनका शेड्यूल देख सकते हैं, 11:30 से 4:30 बजे तक लगातार जो है जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली में शामिल होंगे। देखिए श्रद्धा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी की पहली पसंद है, भारतीय जनता पार्टी की पहली पसंद है, स्टार प्रचारकों में उनका नाम शामिल है। 3 दिवसीय दौरे वो कर चुके हैं और आज उनका ये चौथा दौरा है, जिसमें गुजरात का जो आज उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी हुआ है, उसमें 11 बजे उन्हें दर्शन और पूजा और दर्शन करना है सोमनाथ मंदिर गुजरात में, 11:40 से विधानसभा सोमनाथ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जो की टावर चौक गिर सोमनाथ गुजरात में है। 1 बजे के करीब विधानसभा गरियाघर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, वालम जल अभियान ग्राउंड भावनगर में जो की कार्यक्रम प्रस्तावित है, 2:30 पर विधानसभा पावर कुंडला में चुनावी जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करना है, जो कि व्यायाम मंदिर अखाड़ा महुआ रोड सावर कुंडला अमरेली में स्थान दिया गया है। 4:30 बजे विधानसभा विरम ग्राम में उनका रोड शो है, जो कि अहमदाबाद में है, तो आखिरी जो कार्यक्रम है वो अहमदाबाद में है जो कि विरम ग्राम में, और शुरुआती कार्यक्रम की अगर बात करें तो सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना से उनका कार्यक्रम शुरुआत होगा और 4:30 बजे विधानसभा विरम ग्राम में रोड शो करना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। साफ तौर पर मुख्यमंत्री गुजरात चुनाव में किसी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, जिस तरह से स्टार प्रचारक की सूची में उनको शामिल किया गया है, वो अपनी भूमिका में यानी ये कह सकते हैं पूरी तरीके से आगे जो जिम्मेदारी उनको शीर्ष नेतृत्व द्वारा दी जाती है वो उनको पूरी तरीके से निभाते हैं, जिसका ये आप देख सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात दौरे पे आए और चौथा दौरा आज का है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले गुजरात की जिम्मेदारी और अन्य प्रदेशों में भी स्टार प्रचारकों के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जाना ये तय करता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति का वो चेहरा बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व का पसंदीदा चेहरा बनते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल शशांक, बिल्कुल सही कहा आपने और देखा जा सकता है कि पार्टी के बड़े नेताओं में भी उनका नाम शुमार है, हर कोई योगी आदित्यनाथ को जानता है और हर कोई उनका नाम ही इतना जाना पहचाना है कि, और देखा जा सकता है कि लगातार कई राज्यों में भी उन्होंने दौरे किए हैं, तो गुजरात की जनता में किस प्रकार का जोश देखा जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार वो जो है जनसभा ही करेंगे, लोगों से ही बातचीत करेंगे, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं गुजरात की जनता भी जो है योगी आदित्यनाथ में ज्यादा इंटरेस्टेड है या उनका रुझान उनमें ज्यादा है। देखिए साफ तौर पर ये हम नहीं, ये गूगल का एनालिसिस कर चुका है अश्मिता की लगातार, और हम लोग एनकेएन न्यूज के माध्यम से लगातार उनके रोड शो,
उनकी रैलियां, उनकी जनसभाएं दिखाते रहते हैं। तो भीड़ भी देखिए आप, कहीं भी ये नहीं होता कि भीड़ कहीं कम हो। और उत्तर प्रदेश में जैसे कहते हैं कि देश में मोदी और प्रदेश में योगी, तो अब जो है देश में मोदी और योगी दोनों की टीआरपी लगभग बराबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में अगर देश में दूसरे नंबर का हिंदुत्व चेहरा के रूप में अगर किसी नेता का नाम आता है तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्य का नाम आता है। और लगातार देश विदेश तक की इनकी जो कार्यशैली है, इनका हिंदुत्व का जो एक बड़ा चेहरा के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर के सामने आ रहा है, लगातार इनको देखने के लिए, इनको मिलने के लिए, इनको सुनने के लिए, इनके साथ फोटो खिंचाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, चाहे वो गुजरात की जनता हो या किसी अन्य प्रदेश या अन्य राज्य की बात करें। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा बनते जा रहे हैं और देश में योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की पहले पसंदी बनते जा रहे हैं। तो खासतौर से गुजरात चुनाव का जो जाया, और ये इनका एक और फीडबैक भी है, मैं आपको बताना चाहूंगा सकता कि ये जहां जाते हैं वहां पर चुनाव जिता करके लाते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां भी यानी प्रचार किया हो, पार्टी का जनसभा को संबोधित किया हो, रैलियां की हो, वहां पे कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने शिकस्त का सामना किया। और लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराती आ रही है, जिसका सीधा श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाना तय हुआ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शांक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हमने आपको बताई, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुजरात दौरा है,